तो अभी तो आप रेल में जाएंगे, थोड़ी देर में जेल में जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है कि टिकट नहीं लगता और आप जेल नहीं जाएंगे, रेल में ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनमोल बनाट में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक अनोखी चीज़ दिखाने के लाए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। शायद आपने मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हम इस वक्त मंडुआ डी स्टेशन, जिसका नाम बदल कर अब बनारस रख दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, हम वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि मंडुआ बनारस स्टेशन की जो खूबसूरती है, जो अपने जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ पर आने वाले यात्री यहाँ की खूबसूरती देखकर जिस तरह से खुश होते हैं और सफ़र पर जाते हैं, लेकिन अब यात्रियों को रोकने के लिए कुछ अद्भुत चीज़, कुछ अलग चीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि पूर्वांचल का ये पहला रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रेल कोच रेस्टोरेंट। आप सोच रहे होंगे कि मंडुआ डी स्टेशन, बनारस स्टेशन पर और नाम रेल कोच स्टेशन, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि इस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट इसलिए बनाया गया है कि जो यहाँ पर यात्री आते हैं वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें और अच्छे अच्छे पकवान का लुत्फ उठाएं, और उसके बाद वो अपने सफ़र पर निकलें। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो एक बार आपको इस रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाएं, और इसका नाम वो जूम करके ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसका जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से इंजन के आकार का दिया गया है। पूरी तरह से देखने में लग रहा है कोई रेल का डब्बा है। आप देख रहे हैं कि रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब हम अंदर चलेंगे और क्या कुछ नज़ारा है अंदर का वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बाहर की खूबसूरती आपको दिखा देते हैं। तो ये आप पूर्वांचल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट देख रहे हैं, जो बाकायदा पूरी तरह से ट्रेन की डब्बे की तरह बनाया गया है। बाहर कुर्सियाँ लगाई गई हैं मेज़बानों के लिए, आने वाले यात्रियों के लिए, और बाकायदा यहाँ पर जो अलग अलग पकवान हैं उनकी भी चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही काशी के सभी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी यहाँ दर्शाया गया है, चाहे वो गंगा आरती हो, घाट हो, मंदिर हो, या फिर मठ हो, विद्यालय हो, या फिर सारनाथ का अशोक चक्र हो, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर के क्या कुछ नज़ारा हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इस रेस्टोरेंट के ऑनर से भी बात करेंगे कि किस तरह से उनके अंदर ये ख्याल आया कि कैसे वो इस रेस्टोरेंट का निर्माण क्या सोचकर उन्होंने किया, और कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना भी करना पड़ा, कितनी आसान और कितना अच्छा लगा उन्हें इस रेस्टोरेंट का निर्माण करके। जी, तो हमारे साथ रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या उन ख्याल आया और कैसे उन्होंने इस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का निर्माण कराने की शुरुआत की। आराम सर, सबसे पहले आपका परिचय करना। मैं वरुण सिंह, प्रबंधक आरती इंटरप्राइजेज। चूँकि मंडुआ डी स्टेशन अपने आप में ही प्रसिद्ध है सफाई को लेके, और यहाँ पर आने वाले यात्री भी उसकी खूबसूरती को देखकर आकर्षित होते हैं, तो ये कैसे आपका ख्याल आया कि यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट का निर्माण करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, एक रेलवे ने एक निविदा आमंत्रित की, और उस निविदा के अंतर्गत हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया में भाग लिया। चूँकि रेलवे की मंशा ये थी कि जो उनके खराब स्क्रैप पड़े बोगी हैं, जो चलन से बाहर हो चुके हैं, उसका भी यूज़ किया जाए पीपीपी मॉडल पे। प्राइवेटाइजेशन में लोगों को निविदा आमंत्रित की गई, हम लोगों के फर्म को काम मिला। एक चैलेंज बहुत बड़ा था, चैलेंज ये बड़ा था कि आजकल रेस्टोरेंट्स और जो इस सब सिस्टम्स हैं ये थीम बेसिस हो गए बेसिकली, और एक नॉर्मल लोग बड़े हाल में बैठ करके और ऑर्डर दे दिए और खा लिए, ये कॉमन हो गया है। अब आदमी एक्स्ट्रा देखना चाहता है। लोग, हम लोगों के भी पास एक थीम थी कि रेल की बोगी को एक बड़े रेस्टोरेंट के रूप में डेवलप करना, एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में डेवलप करना, या यूँ कहिए कि 5 सितारा जो व्यवस्थाएँ होती उस रूप में उसको डेवलप करना। चैलेंज तो था, इसलिए कि फर्स्ट अनुभव था, और हमारे पास रेल की बोगी जब खड़ी हो गई तो हम लोगों के पास बहुत ये चैलेंजिंग था कि यार ये बोगी को जो आकार हम सोच रहे हैं वो देंगे कैसे।
लेकिन धीरे धीरे इंटीरियर डिज़ाइनर जो हमारे थे उन लोग से हम लोगों ने राय लेते लेते और जब एक लुक उभर करके आया तो मुझे कहने में अच्छा कि काशी वासियों का प्यार बहुत मिला। इस आज तीसरा दिन है लेकिन हमको लगता है कि काशी वासियों का प्यार भी मिल रहा है और रिव्यू अच्छा मिल रहा है, लोगों ने खाने की तारीफ भी की। अब कोई चीज़ रेस्टोरेंट्स बनते हैं तो उसकी मंशा क्या होती है, इस पर हमारी सबसे पहली मंशा थी कि हम लोगों ने आज के दौर में देखिए कंपटीशन का दौर है, व्यवसायीकरण है, बड़े रेस्टोरेंट्स अगल बगल नामचीन हैं, उसमें भी कस्टमर जा रहे हैं, पे कर रहे हैं, इसलिए पे कर रहे हैं कि वो सुविधा और अच्छे खाना और अच्छी सुविधा लेना चाह रहे हैं। हमने प्रयास ये किया है कि जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनसे जब आदमी एक तुलनात्मक व्यवहार में देखेगा तो हम बेहतर नज़र आवें या उनके बराबर खड़े आवें, ये हमारे चैलेंज था जिसको हमने हमारे अपने कारीगरों के भरोसे, जो हमारे शेफ हैं उनके भरोसे हमने उसको अचीव किया है इन तीन दिनों में। इसलिए तो क्या यहाँ पे केवल यात्री ही आ रहे हैं या फिर जिस खूबसूरत रेस्टोरेंट को देखकर बहुत से जो बनारसवासी वो भी? बहुत मज़ेदार बात आपको बता दूँ कि यात्री तो मान लीजिए रेलवे परिसर में है तो यात्री तो कॉमन चीज़ हो गई है, लेकिन एक 80% जो बाहर की जनता आ रही है, कॉलोनी के लोग आसपास के आ रहे हैं, शहर के अदर जगह से आ रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी होकर, कुछ लोगों ने अखबार देखा तो हम लोगों को उन लोगों बधाई दिया कि आप लोगों ने बताया नहीं कि रेस्टोरेंट ओपन हुआ, हम आना चाहते थे। और अच्छी चीज़ है कि एक लोग बर्थडे वगैरह के लिए अपने पार्टीज़ के लिए इसको चॉइस के रूप में अब धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। इन तीन दिनों में ही हमें बताने में हर्ष हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि लगभग हमको 12-13 दिन की बुकिंग एडवांस हमारी काशी वासियों की वजह से ने किया है। और आशा उम्मीद करते हैं समस्त काशी वासियों से अपील भी करेंगे कि एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। आपका अपना रेल है और आपकी अपनी रेल की सुविधा है और आपका अपना रेस्टोरेंट है। लगभग कितना समय लग गया इसको बनाने में? ये 3 महीने कड़ी मेहनत, जिसको आप कहिएगा, 3 महीने कड़ी मेहनत के बाद इस सपनों का आकार मिला है। लेकिन एक जो सोच थी हमारी, अच्छा खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना, बहुत तेल मसाला, इस तरीके से जो लगता है कि मसालों के साथ और क्वांटिटी और जो आजकल डीप फ्रीज़र और ये सब सिस्टम से लगा करके और रात का दिन का रात, इन चीज़ों से बहुत अलग हट करके हाइजेनिक फूड से हम लोगों ने परहेज किया है। लोगों को अच्छा खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना, कम तेल मसाले में उनको स्वादानुसार देने का प्रयास किया घर जैसा। और सबके बाद एक अच्छी बात आपको बता दें, इस रेस्टोरेंट की खासियत इस ट्रेन की ये है कि इस ट्रेन को किसी तरह का खतरा नहीं है। आप जनरल रेल और जेल का बहुत अंतर होता है, बड़ा मतलब ताना बाना होता है कि लोग अगर विदाउट टिकट आप हैं तो अभी तो आप रेल में जाएंगे, थोड़ी देर में जेल में जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है कि टिकट नहीं लगता और आप जेल नहीं जाएंगे, रेल में ही रहेंगे। दूसरी सुविधा ये आपको है कि कहीं कोई आंदोलन हो जाए देश में तो कोई किसान नेता इस पटरी को उखाड़ेगा नहीं, आपकी यात्रा बाधित नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ से आप चलते हैं इसमें सुगम यात्रा की गारंटी कोई नहीं देगा, कि जहाँ से आप चलते हैं ये रेल आपको वहीं उतारेगी भी, यात्री जहाँ से चलेगा उसकी यात्रा वहीं समाप्त भी होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और चौथी चीज़ जो और अच्छी कॉमन है कि कम से कम ये नहीं आपको डर होगा कि हमारा स्टेशन आ गया और ट्रेन नहीं रुक रही तो हम चेन पुलिंग कर दें, तो ये भी डर आपको चिंता से मुक्त होना है कि चेन पुलिंग भी नहीं होगी। कुल मिलाकर के आपको अच्छे भोजन मिलेंगे और आप इसका पूरा एंजॉय काशीवासी करेंगे। और हम काशीवासियों से सुझाव भी चाहेंगे कि जब भी कोई काशीवासी हमारे यहाँ रिव्यू के रूप में, हम धीरे धीरे एक लोगों से रिव्यू भी ले रहे हैं कि अगर हमारे में कोई कमी होगी तो हम सुधार करेंगे। लेकिन काशीवासी अपना प्यार इसने बनाए रखे आपके चैनल के माध्यम से, लोगों से अपील भी करेंगे और आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से भी अगर आप आते हैं और देख करके आपने बताया कि भाई इस आपके चैनल के की स्टोरी देख करके या उसके खबरों को देख करके हम आए हैं, तो हम आपके चैनल को ये मुतमईन कर देना चाहते हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है
छूट जरूर देंगे, जो आप भी आपका चैनल का व्यक्ति आएगा कहेगा कि मैंने उस चैनल पर खबर देखी है, तो उसको छूट भी मिलेगी। बहुत बहुत बधाई। तो सुना आपने कि ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और चार बातें तो आपने नोट कर ली होंगी कि पहला, अगर टिकट लेके नहीं आते तो यहाँ आपको जेल नहीं जाना है, सीधे रेल में सफ़र करेंगे। दूसरा, चैन पुलिंग करने की भी दिक्कत नहीं है आपको, जहाँ से आप चढ़ेंगे वहीं आप उतर जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप जिधर से सफ़र की आपने शुरुआत की है उधर ही आपको ये बोगी उतारेगी। तो ये चार बातें थी जिसमें से तीन हमने आपको बता दी है, और चौथा ऑनर साहब खुद आपको बता चुके हैं। और हम उम्मीद करेंगे और आपसे ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि पूर्वांचल का ये पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है जो केवल बनारस में भी बना है। और हम अब अंदर ले चलेंगे, चूँकि ऑनर साहब ने बताया कि फाइव स्टार जैसी सुविधाएँ इस रेल कोच रेस्टोरेंट में उपलब्ध हैं। आप विंडो देख सकते हैं, डोर देख सकते हैं, किस तरह से खूबसूरत तरीके से सजाया गया, शायद ये रेल में भी ना मिलता उस तरह का डोर। आप टिकट लेके जाते हैं तो भी यहाँ आपको बिना टिकट के अंदर जाना है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ की खूबसूरती और क्या नज़ारा है वो दिखाते हैं। तो कुछ लोग मौजूद भी हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं, शायद यही चर्चा कर रहे हैं कि काशी में ये जो रेल कोच बना है रेस्टोरेंट, ये अनोखा है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। क्योंकि शायद काशीवासियों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बनारस में और ख़ासकर मंडुआ डी स्टेशन पर ये रेल कोच रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको पर्दा भी हटा दिखाएंगे, यहाँ से आप बैठे बैठे काशी का जो मंडुआ स्टेशन है, जो रोड है, वो आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, वो भी खाते पीते हुए। और ऊपर देखिए खूबसूरती, शायद ये आपको जो जिसमें जिस ट्रेन में आप सफ़र करते हैं उसमें भी ये खूबसूरती देखने को ना मिले, जो इस रेल कोच रेस्टोरेंट में देखने को मिल रही है। ऑनर ने बताया कि ये वो बोगी है जो किसी काम की ना होती है, उसे उन्होंने काम में लाकर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के रूप में तैयार कर दिया है। और फाइव स्टार होटल और फाइव स्टार जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो होटल होते हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएँ दी जा रही हैं, चाहे वो खाने के टेस्ट में हों या रेट में हों। तो एक बार आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए, यहाँ की खूबसूरतियों को तराशिए और यहाँ के टेस्टी भोजन का लुत्फ उठाइए। तो हम आगे भी चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस रेल कोच में सुविधाएं दी गई हैं, फाइव स्टार होटल की एसी लगी हुई है, बाकायदा लैंप लाइट लगा हुआ है, फ़ैन लगे हुए हैं, टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, और इसके साथ ही वो भी शीशे लगे हुए हैं जहाँ से आप खाना खाते हुए काशी के बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार आपको यहाँ पर सभी सर्विस देते हैं और आपको निराश नहीं करते। ये वो टीटी हैं जो आपसे टिकट तो नहीं मांगते लेकिन चार्ज लेंगे और आपको सारी सुविधाएं भी देंगे, आपको निराश करके नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों का भी आप देख रहे हैं आना जाना शुरू है, क्योंकि हर आदमी यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के खाने को एक बार देखना और यहाँ के खाने का लुत्फ उठाना ज़रूर चाहेगा। तो आप भी इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और यहाँ के नज़ारों को देखिए। यहाँ हम खाने की बात बार बार करें लेकिन वहाँ वास्तव में रेल कोच रेस्टोरेंट में खाने क्या क्या उपलब्ध है, किस तरह के फूड्स यहाँ पर दी जाती है, किस तरह के फूड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो ये भी हम आपको बताते हैं। और ये हम सीधे यहाँ के जो रेल कोच के टीटी हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो टीटी जो टिकट चेक करते हैं, ये टीटी हैं जो आपको खाने के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ये खाना उपलब्ध है, ये फूड्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे टीटी सर। हाँ, मेरा नाम आसो और मैं यहाँ का इस ट्रेन कोच का टीटी ही हूँ, लेकिन यहाँ टिकट नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ जो भी प्रोवाइड कराऊँगा उसका बिल तो जरूर लूँगा। फिर ये क्या क्या उपलब्ध है आपके यहाँ? यहाँ पे इंडिया के हर तरह का आपको डिश मिल जाएगा, जो कि वेज में भी होगा और नॉन वेज में भी होगा। और आपको जैसे पीने के लिए भी हर चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे मॉकटेल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, ये सब प्रोवाइड किया जाएंगे। इंडियन के अलावा भी कुछ फूड्स बाहरी? हाँ, कुछ ऐसे हैं जो आपको चाइनीज़ में भी मिल जाएंगे, चाइनीज़ के हर तरह के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो मिल जाएंगे खाने वाने और पीने में। सूप भी मिल जाएंगे, चाइनीज़ सूप जो भी लेना चाहे वो मिल जाएगा। तो जो लोग आए अब तक, कितने लोगों का आपने टिकट काट दिया? और टिकट कम से कम 500-600 लोगों का तो काट दिया। तो सुना आपने, यहाँ पर इंडियन फूड्स के साथ ही चाइनीज़ फूड और मद्रासी फूड्स भी उपलब्ध है, इसके साथ ही यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं खाने की पीने की। और यहाँ पर ट्रेन का टिकट तो नहीं लगता लेकिन जो आप खाएंगे पिएंगे उसका टिकट आपका ज़रूर काटा जाएगा।